गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश होने का रीज़न ये है कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, बहुत दिन, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली गाइस वो आ गया। तो गाइस ये देखिए, ये है शादी का कार्ड जो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा वो कार्ड, कब आएगा वो, कब आएगा। लेकिन फाइनली गाइस आ गया शादी का कार्ड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड का शादी का कार्ड है जो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो कहीं और रहती है। तो वो मेरे को बहुत दिनों से ही बोल के रखी थी कि सबसे पहला कार्ड जो है वो मैं तुम्हें भेजवाऊंगी, और फाइनली वो भेज दी। मेरा सबसे पहला कार्ड मेरा नाम का है। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि पहला शादी का कार्ड मेरे हाथ में। तो वो मेरी, मैंने स्कूल कॉलेज दोनों मैंने उनके साथ की, और उन्हीं का शादी का कार्ड है। तो कौन कौन ऐसा अपनी फ्रेंड का शादी का इंतज़ार में रहती है। मुझे उनकी शादी का बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो फाइनली वो दिन आ गया। तो मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये वीडियो वो देख रही है ना, तो वो देख रही होगी कि ये पागल है यार, कितना खुश है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड का शादी है। तो देखिए गाइज ये रहा कार्ड और ये रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शादी का कार्ड आ गया। कौन कौन ऐसा खुश होते हैं जब अपनी फ्रेंड का जब शादी होता है और इस तरह से वो कार्ड भेजती है, तो कितने कोई खुश होते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिन इंतज़ार किए थे ना। बहुत ज़्यादा, तो थैंक यू। नाम नहीं लूँगी अभी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को नाम बता दूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊँगी किसका शादी है। जिस दिन मैं शादी जाऊँगी उस दिन मैं बताऊँगी कि कौन फ्रेंड है, और फिर मतलब कौन फ्रेंड है, उनका कहाँ शादी हो रहा है, उसका नाम क्या है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को शादी का दिन दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल बस कार्ड दिखा दी हूँ आप लोग को, तो ठीक है। तो गाइज अभी हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। तो हमारा कढ़ाई जो है गरम हो चुका है, देख सकते हैं, और इसमें हम तेल उल कुछ नहीं देने वाले, ऐसे ही डाल दूं। तो अभी हम दोनों खा रहे हैं पॉपकॉर्न। अच्छा बारिश पड़ता है तब बरसात
मतलब बारिश होते रहेगी और ऐसा पॉपकॉर्न खाना, पकोड़ा खाना, ऐसा बहुत मन करता है, लेकिन हम लोग आज बनाए हैं पॉपकॉर्न। अब पानी खाली है। नहीं चाय होना चाहिए मस्त। वो तो चाय, चाय और पॉपकॉर्न। उफ। हम यही फेंकेंगे खाना। रुको, बाबू सो रहा है और हम लोग अकेले अकेले खा रहा है, उनके लिए आधा बचा के रखे। अच्छा से मुंह खोलो, ले फेंकूंगी खाना। चलिए आ रहे हैं। ज्यादा बड़ा खोली है। हाँ घुस गया घुस गया घुस गया। इधर देख सकते हैं जब बारिश थोड़ा सा कम हो गया तो बच्चे लोग कैसा खेल रहा है। कौन कौन बचपन में ऐसा खेलता था कमेंट में बताइए। देखिए ये लोग किस तरह से खेल रहे सब हैं। पे मारा जा। मार अंडो को। नहीं नहीं ना है जो मार जलन पे। जलन चिम चिकन। जो पापे खून पे। तो देख सकते हैं गाइस बच्चा लोग कितना अच्छा सा गेम खेल रहा है। ये वाला गेम हम भी बचपन में खेल लेते। बोतल रखना पड़ता है और सारे कोई छुपना पड़ता है और अगला इंसान कोई एक आता है और दौड़ दौड़ के आएगा और बोतल टू को लात मार के भगा देता है। तो फिर ये वाला गेम काफी अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद बच्चों को देख रही तो अपना दिन मुझे याद आ रहा है। तो कौन कौन ये गेम खेला है कॉमेंट में बताना। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और ढेर सारा प्यार दे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय लव।